नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। पिछले वीडियो में महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट के साथ एक खूब सुंदर चित्र वाले कम्युनिटी कॉइन के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया था। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जानेंगे भारत के इस खूबसूरत कम्युनिटी कॉइन के बारे में। आज के वीडियो में जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस कॉइन को क्यों इशू किया गया था, कौन से साल और किस किस मिंट से इशू किया गया था, और इस सिक्के में जो स्लोगन लिखा गया है उसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। वैसे तो भारत में बहुत सारे कम्युनिटी कॉइन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्लोगन के साथ बहुत कम कम्युनिटी कॉइन इशू किया गया है। 5 रुपए वाले इस सिक्के को जनरल सर्कुलेशन के लिए इशू किया गया था। सिक्के की वेट है 8.97 ग्राम, डायमीटर है 23 मिलीमीटर और थिकनेस की बात करें तो ये कॉइन 2.85 मिलीमीटर थिक है। राउंड शेप के सिक्के को 1996 में इशू किया गया था। 5 रुपए वाले इस कम्युनिटी कॉइन को कॉपर निकल धातु से बनाया गया है। आपको अगर केवल निकल धातु से बनाए गए सिक्के देखना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिक्के की एज है सिक्योरिटी एज। सिक्के की ओवरसाइड में आपको अशोक लायन पोर्ट्रेट के साथ 97 वर्ड देखने को मिल जाएगा। अशोक लायन के नीचे आपको सिक्के की डिनोमिनेशन 5 दिखाई देगा। इसके दो तरफ हिंदी और इंग्लिश में भारत रुपए और इंडिया रुपीज लिखा गया है। सिक्के की रिवर्स साइड में आपको एक ट्रायंगल के भीतर एक खूब सुंदर पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, जहां एक माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, जिसके ऊपर आपको कॉइन के मिंट मार्क के साथ ईयर ऑफ इशू भी देखने को मिल जाएगा। 5 रुपए वाले ये सिक्का कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई, ये चारों मिंट से इशू किया गया था। मुंबई मिंट से जारी किया इस सिक्के में आपको स्मॉल डॉट या तो डायमंड देखने को मिलेगा। हैदराबाद से इशू किया गया सिक्के में आपको 5 पॉइंट स्टार देखने को मिलेगा और नोएडा के सिक्के में आपको स्मॉल सर्कल में डॉट देखने को मिल जाएगा। कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्के में आपको ये जगह खाली मिलेगा। पोर्ट्रेट के ऊपर और नीचे आपको एक स्लोगन दिखेगा, जहां हिंदी में लिखा गया है स्वस्थ माँ के स्वस्थ शिशु, जिसका इंग्लिश में मतलब है मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड्स हेल्थ। इस सिक्के की वैल्यू की बात करें तो ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए इशू हुआ था। आज की डेट में UNC और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हैदराबाद, नोएडा और मुंबई मिंट का ये सिक्का आपको 100 से 200 रुपए में मिल जाएगा। 11 जुलाई 1996 वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिन भारत सरकार के द्वारा समाज में अवेयरनेस लाने के लिए सिक्के को इशू किया गया था, जिसका मेन मोटो ये था परिवार और देश में माँ और शिशु की मोर्टेलिटी रेट को कम करना। तो इतनी सी थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग नोट या कॉइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।